गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा एल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं। हमारे पास तीन एल्जेब्रिक मेथड हैं। पहला एल्जेब्रिक मेथड मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। अब मेथड्स को आप ध्यान से समझते चलना। सब्स्टिट्यूट देखो पेयर का मतलब होता है दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। पहली इक्वेशन जैसे आपने ये ली a1x + b1y = c1। दूसरी इक्वेशन आपने ली a2x + b2y = c2। दो इक्वेशन आपके पास है, इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। आपको दो की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहला मेथड मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए करना क्या होता है, आप किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं a1x लिखूं तो मैं लिख सकता हूं c1 - b1y। यहां से अगर मैं x फाइंड करूं तो मैं लिख सकता हूं c1 - b1y डिवाइडेड बाय a1। ये आपके पास x आएगा। ये x की वैल्यू आपने कौन सी इक्वेशन से फाइंड की, फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपने किस इक्वेशन में रखनी है, सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड की, पुट इट इनटू इक्वेशन सेकंड, आप इसको सेकंड इक्वेशन में रखिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन में रखते हो तो वी गेट ए टू इंटू एक्स की जगह ये रखना है डिवाइडेड बाई ए वन प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ y। आने दो, ये y में आएगा। एक एग्जांपल समझाएंगे जब और क्लियर होगा। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ y, उसको हमने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से आपने x फाइंड किया, सेकंड में आपने रख दिया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कंप्लीट y में है, इसमें a की वेरिएबल है। बाय सॉल्विंग इट, मैं एग्जांपल में और क्लियर करूंगा, By solving it, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल वाई है, यहां पे एक्स है ही नहीं। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, वाई की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ऑफ द इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है उनमें से किसी एक में भी आप वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन से आपने एक्स फाइंड किया, उस एक्स को वाई की टर्म में फाइंड करोगे, वो एक्स की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में रख दोगे, जिस इक्वेशन से एक्स फाइंड किया है उससे जो दूसरी इक्वेशन बचेगी उसमें आप वाई पुट करोगे, ठीक है। वाई पुट करने के बाद वो कंप्लीट आपके पास वाई में बनेगी, एक ही वेरिएबल में आएगी, उसमें दो वेरिएबल नहीं होंगे। अब एक वेरिएबल में तो आप बड़ी आराम से सोल्व कर सकते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, ठीक है। और वाई की वैल्यू आने के बाद इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में वापिस रख देना, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स और वाई ही सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें। मतलब मैं एक्स और वाई की वैल्यू पहली में रखूं तो भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आए, दूसरी में रखूं तो भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आए। इस तरीके के सॉल्यूशंस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इनको। देखिए एक एग्जांपल के साथ और समझ आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करना चाह रहे थे। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं और क्लियर करूंगा इस मेथड को कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है। ये मैंने पहले बताया आपको, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए पहला एग्जांपल ये है, सॉल्व दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। पहली इक्वेशन है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना चाहते हैं। सोल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सॉल्यूशन को समझना। आपके पास दो इक्वेशन है,
एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू 19, 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, आप किन्हीं भी किसी भी एक इक्वेशन से आप x फाइंड करें, या तो फर्स्ट से या सेकंड से। जैसे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं, ये भी जरूरी नहीं कि आप x फाइंड करो, आप y भी फाइंड कर सकते हो, आप x भी फाइंड कर सकते हो, जो आपका मन करे। अगर मैं यहां से x फाइंड करूं तो वी गेट 19 माइनस 8y। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं और यहां से मैं x फाइंड करूं तो आपके पास x की वैल्यू आई 19, इधर प्लस का था इधर ले गया, आपके पास माइनस का आ गया, तो x की वैल्यू आई 19 माइनस 8y। इसके बाद सुनिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड, आप इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो। अगर आप सेकंड इक्वेशन में रखो, देखो सेकंड इक्वेशन ये थी, इसमें x की जगह 19 माइनस 8y प्लस बार 11y इज इक्वल टू, इधर क्या रखा आपने 28, ये तो एज इट इज है, इसमें x की जगह ये रख दिया 19 माइनस 8y, ये कितना आया 38 माइनस 16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28, ये आ गया। 38 को उधर भेज दो, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, वी गेट y इज इक्वल टू 2। अब देखो y की वैल्यू आ गई, मैं कह रहा था ना आसानी से वैल्यू आएगी आपके पास y की। आपने क्या किया, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, सेकंड इक्वेशन में रख दी, सेकंड इक्वेशन से आपने y फाइंड कर लिया, y बड़ी आराम से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में रख दो तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 19, वी गेट x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आंसर कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अब सॉल्यूशन क्यों है, देखो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहो कि सर सॉल्यूशन का क्या मीनिंग था, आप पहली इक्वेशन लो, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 है, x की जगह आपने रखा 3 प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, वी गेट 19 इज इक्वल टू 19 विच इज ट्रू। मैं वही तो बोल रहा था कि सॉल्यूशन का मतलब x और y की वो वैल्यू जो LHS को RHS बना दे, वो सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इक्वेशन सेकंड लेके चले, उसमें 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28, 2 इंटू x की जगह 3 प्लस 11 इंटू y की जगह 2 इज इक्वल टू 28, वी गेट 28 इज इक्वल टू 28, LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपके पास वेरिफिकेशन है सारा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पूछा जाए, इसका मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि LHS को क्या बना दे, RHS। अगर आप समझ पाए तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो a1 by a2 1 by 2 b1 by b2 8/11, 1 by 2 is not equal to 8 by 11, तो इसका मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इसका मतलब the system has unique solution। unique solution का ही तो case ये है, unique solution है क्या 3, 2। अगर आप graph पे बात करें तो इन दोनों का graph intersecting line आएगा, एक ही point पे intersect कर रही होंगी, और वो point क्या रहेगा 3, 2। मैंने आपको graph भी बताया था, analytical conditions भी बताई थी, अब मैं आपको method समझा रहा हूं। यहां तक जिसको मेरी बात समझ आई, जिसको क्वेश्चन समझ आया क्या क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रेज योर हैंड। ठीक है, बहुत अच्छे, समझते चलो। देखो ये एक आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, मैं आपको और समझाता हूं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे सॉल्व, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दूसरी एक इक्वेशन है। दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से
कैसे इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे? देखिए फिर से अगर मैं समझाऊं आपको एक बार, आपके पास दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, फर्स्ट इक्वेशन से देखो ए एक्स अगर मैं फाइंड करूं, इन सबको उधर भेज दूं तो माइनस बी वाई प्लस ए माइनस बी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे उधर जाके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक्स फाइंड करूं तो माइनस बी वाई प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये आपके पास एक्स आ गया। इसी भी एक इक्वेशन से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स फाइंड कर लिया, कैसा भी आता है इसको आने तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है। अगर ऐसा करने पे अब हम क्या करेंगे, अब हम ये x की वैल्यू सेकंड में रख देंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, अगर आप सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए b इंटू एक्स की जगह माइनस बी वाई प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सेकेंड इक्वेशन में रख दिया, माइनस ए बाई एज इट इज, इसके बाद माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, मैंने x की जगह ये वैल्यू रख दी जो फर्स्ट इक्वेशन से x फाइंड किया उसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास a आया, a आपके पास एलसीएम रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वेयर वाई फिर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर, इसके बाद इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके वन है, एलसीएम लिया माइनस ए स्क्वायर वाई, इसको किससे किया ए से माइनस ए स्क्वायर, इसको किससे किया ए से माइनस ए बी, ये आपके पास आता है। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, एलसीएम लेना आपको सभी को आता है, ए बी से ए बी कैंसिल, ए इधर जाएगा जीरो हो जाएगा, ए हट जाएगा, बी गेट माइनस बी स्क्वायर वाई, अगली टर्म माइनस बी स्क्वायर, उससे अगली टर्म माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर भेज दो, वाई के साथ की जो टर्म्स है वो दोनों इधर रखो, इधर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहां से माइनस वाई कॉमन लेते हो तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी क्या है ए स्क्वायर, ये सारा कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस वन। देखो आई की बहुत आसान वैल्यू, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ोगे तो आप बड़ी आराम से सोल्व करते हुए चले जाओ, जैसा आपने पहले भी किया होगा छोटी क्लास में, इसको बड़ी आराम से सोल्व करो, एलसीएम लो, आगे बढ़ो, वेरिएबल तो एक ही है, हमने दो वेरिएबल को एक में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में आप वाई की वैल्यू रख दो, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई की जगह माइनस वन, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी से बी कट गया, ये आपके पास आया ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू ए, ए से ए कट गया, वी गेट एक्स इज इक्वल टू वन, आपके पास वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन, ये आते हैं। क्रॉस चेक करना चाहो तो पहली इक्वेशन में रखोगे तो भी एनएचएस आरएचएस के बराबर आएगा, दूसरी क्वेश्चन में रखोगे तो भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा, ये आपके पास सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जिस जिसको ये मेथड समझ आया आप बढ़िया तरीके से रेज योर हैंड, जिस जिसको ये मेथड समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड रेज योर हैंड, देखो मैं फिर बोल रहा हूं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्लास लेने से ही खाली बात नहीं बनेगी, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। अब जो मैं मेथड करा रहा हूं ये अब तो समझ आ जाते हैं, जब आप खुद से काम करोगे जब चीजें समझ आएंगी, तो खुद से पढ़ना शुरू करो। रेडियंट कोचिंग क्लासेस में आप बैठे हैं, अगर कोचिंग क्लासेस में आप बैठते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। मैं तो यहाँ सारे क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर दूंगा तो फिर मैं तो आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ सभी चीजों के, वो पॉसिबल कोई है, वो अच्छी चीज कोई है कि मैं उठाऊं और सबके सॉल्यूशन आपके आगे रख दूं। आपका काम है प्रैक्टिस करना, मेरे काम है कॉन्सेप्ट्स बताना। मैथ पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका और पढ़ने का और समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, मैं कहता हूं
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आप कहते हो, बट नो बॉडी इज परफेक्ट, देन व्हाई डू प्रैक्टिस। ये चीजें छोड़ो, ठीक है, आप आगे बढ़ो, प्रैक्टिस से ही आपको मैथ समझ आएगा। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। बाकी आप और अपने मॉड्यूल से ट्राई कर सकते हैं, जितने भी आपको पेयर के इक्वेशंस मिले कि दो इक्वेशंस गिवन है यहां से एक्स और वाई सॉल्व करके दिखाइए तो क्या वैल्यू आएंगे, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हैं। पहला एक मेथड है, जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड लगाएं। देखिए दूसरा एक मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। उसको और समझना आप एक बार कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद मैं आपको एक और मेथड कवर करता हूं इस आज के लेक्चर में, एलिमिनेशन मेथड। कि एलिमिनेशन मेथड में इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है बाय एलिमिनेशन मेथड। सेकंड आपके पास आएगा एलिमिनेशन मेथड, पहला आपके पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मैं बात करता हूं एलिमिनेशन मेथड की। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा वो सुनते चलना। जैसे मैं आपको जनरल बताता हूं, पहले ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन आपके पास एक इक्वेशन है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। दो मेथड है, पहला बाई एलिमिनेटिंग एक्स, मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं बाय एलिमिनेटिंग x, तो देखो x को एलिमिनेट मतलब हटाना, उसको खत्म करना। x को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। कैसे सेम होगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो a2 से, इसको कर दो a1 से और सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया सेकेंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा क्यों किया, अगर मैं इसको a2 से करूंगा तो x के साथ बनेगा a1 a2, इसको a1 से करूंगा x के साथ बनेगा a1 a2, दोनों को घटा दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा, ठीक है। अगर आप x हटाना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई किया, देखो क्या आया, a1 a2 x प्लस b1 a2 y इज इक्वल टू c1 a2। सेकेंड मैंने इसको ए वन से मल्टीप्लाई किया, ए वन ए टू एक्स प्लस ए वन बी टू वाई इज इक्वल टू ए वन सी टू, इसके बाद मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये एक्स कैंसिल, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आपका ये एक्स हट गया, क्यों, सेम नंबर आपको नजर आ रहे हैं बीच में, माइनस का साइन है, ये कैंसिल। इन दोनों को देखो, इन दोनों में से अगर मैं वाई कॉमन ले लूं तो बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू कुछ ऐसा बनेगा इज इक्वल टू C1 A2 minus C2 A1, ये आपके पास। यहां से अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो वी गेट by C1 A2 minus C2 A1 divided by B1 A2 minus A1 B2, ये जो भी वैल्यू आएगी ये y आएगा। बड़े आराम से होगा, तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, तो ये तो मैं केवल आपको मेथड समझा रहा हूं कि एलिमिनेशन मेथड में अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो x के कोफिशियंट्स को सेम बना दो। यहां पे करना क्या है, मेक द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स सेम। अगर मैं एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं एक्स के कोफिशियंट को सेम बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो आपके वाई आ गए। हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं तो एक्स को एलिमिनेट नहीं करना चाहता, मैं तो वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूं। वाई को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे, मेक द कोफिशियंट ऑफ वाई सेम। आपने y के कोफिशियंट को सेम बनाना है, ठीक है। पहले x के कोफिशियंट को सेम बनाया था, अब y, देखो y के कोफिशियंट को सेम बनाने का मेथड समझो, या तो b1 है या b2 है, मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर दूं b2 से, इसको कर दूं b1 से और घटा दूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई किया माइनस सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। द फर्स्ट इक्वेशन को b2 से किया तो a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू b2 c1। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को b1 से करना है, a2 b1 x b1 b2 y इज इक्वल टू c2 b1। अब क्या किया, दोनों को घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, यहां प्लस था इसलिए माइनस आया, जहां माइनस होता तो प्लस आता, ये इससे कैंसिल,
इसमें से अगर आप x कॉमन लोगे तो a1 b2 - a2 b1, इधर से अगर आप लिखोगे तो b2 c1 - b1 c2, यहां से x आ गया, उसको इधर ले आओ, b2 c1 - b1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 - a2 b1, ये आपके पास अगर आप y को एलिमिनेट करोगे तो x आएगा, अगर आप x को एलिमिनेट करोगे तो y आएगा, जरूरी नहीं है कि आप दोनों को एलिमिनेट करो। एक क्वेश्चन में मान लो आपने y को कर दिया, y को एलिमिनेट करने के बाद मान लो आप कहां पहुंचे, x पे पहुंचे, x का आंसर आ गया, x को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, अगर आप x को किसी भी एक इक्वेशन में वापिस रखोगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं एलिमिनेशन मेथड का, ये सारा एलिमिनेशन मेथड है कि आप कोफिशिएंट्स को सेम बनाओ, ऐड या सबट्रैक्ट करो, एक हट जाएगा एक बचेगा, ये एलिमिनेशन है। इससे पहले जो मैं समझा रहा था वो सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड का मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि एलिमिनेशन मेथड में कैसे करना होता है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के, देखो ट्राई करते हैं, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. इनको elimination method से solve करना है। 2x plus 3y is equal to 8, equation number 1. 4x plus 6y is equal to 7, equation number 2. आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड आप लगाना चाहते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं अगर x को एलिमिनेट करना चाहूं, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, अगर मैं दोनों को सेम बनाऊं तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहला वाला भी 4 आ जाएगा, 4 आते ही अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हट जाएगा, तो दूसरे वाले को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से दूसरी इक्वेशन घटा दी, जिसको मैं सर्कल करके चलता हूं, इसका मतलब ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड इक्वेशन को घटा दो। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वी गेट 4x, इधर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट 6y, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16। ये एज इट इज रखनी है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। सेकंड में 4x plus 6y is equal to 7, अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, अगर आप ऐसे करने लगे तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो दोनों ही कैंसिल हो गए, इधर तो बचा 0 और इधर क्या बच गया 9। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो इधर आ गया 0 और इधर आ गया 9 विच इज फॉल्स, इसका मतलब द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कैसे, ए वन बाई ए टू आपने फाइंड किया 2/4 मतलब 1/2, बी वन बाई बी टू फाइंड किया 3/6 मतलब 1/2, सी वन बाई सी टू फाइंड किया 8/7, इसका मतलब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो वैसे भी आपके पास क्या आ रहा था, नो सॉल्यूशन। हमने ट्राई करने की कोशिश की एलिमिनेशन मेथड से तो भी कहां पहुंच गए नो सॉल्यूशन पे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन तो तभी आएगा ना जब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, नो सॉल्यूशन का केस हुआ तो कुछ ऐसा नजर आएगा। समझ आ रहा है, अब देखिए आगे की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं यूनिक सॉल्यूशन का। ये तो मैंने आपको बीच में एक ट्राई करवा दिया कि एलिमिनेशन में हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर यहां तो ऐसी कंडीशंस आ गई, आ सकती हैं ऐसी कंडीशंस कि एक्स और वाई सर दोनों कट गए, हम एक को हटाना चाह रहे थे यहां पे दोनों हट गए, तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखिए, एक इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपके पास दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x minus 2y is equal to 10 equation number second. अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें से सेकंड इक्वेशन घटा देता हूं, क्यों, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 3x minus 3y is equal to 9, सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखनी है 3x
माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन। अब आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, देखो माइनस यहां माइनस था तो क्या आएगा, प्लस यहां प्लस था तो क्या आएगा, माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, ये कट गया। माइनस तीन में से दो वाई हटाओगे तो माइनस का वाई बचेगा, नौ में से दस माइनस का एक, तो आपके पास आया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वी गेट वाई इज इक्वल टू वन, हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाती है। ऐसा करने पे हम y 1 पे पहुंच गए। आगे देखते हैं, अब देखो बार बार ये नहीं है कि एक बार आपने y को एलिमिनेट कर दिया सर हम एक बार x को करें, नहीं, आपने एलिमिनेशन मेथड से अपने x को हटा दिया, y आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, यहां से x की वैल्यू 4, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि एक को एलिमिनेट करो वहां से दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उसको आप वापिस रख दो। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड पे भी जा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, किसी एक को मल्टीप्लाई करने पर भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने आपको दो कवर कराने की कोशिश की है। इन दोनों मेथड से आपके जो मॉड्यूल हैं, ठीक है, इन दोनों ही मेथड से आपके जो मॉड्यूल है वहां पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे का जो काम रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।